नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों के समर्थन में आगे आए विधायक। पूर्णिया के अमौर विधायक से पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान अमौर विधानसभा क्षेत्र में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पर समर्थन देते हुए कहा कि इससे पठन पाठन पूरी तरह ठप है। बताते चले कि 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सभी शिक्षक अपने अपने प्रखंड क्षेत्र के BRC भवन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हुए विधायक से पूर्व मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज़ है और सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। हमारी सरकार रहती तो हम वेतन मान दे दिए होते। जो है समान काम समान वेतन के लिए जो है ना शुरू से उसका हम लोग मदद करने वाले लोग हैं। नियोजित शिक्षकों की मांग है, ये बहुत पुरानी, सेवा से समान काम समान वेतन, आपकी नज़र में आप इसे कैसे देखते हैं? यही अगर हमारी सरकार होती तो कब कर दिया होता। लेकिन तमाम शिक्षकों से यह गुजारिश है कि आने वाले दिनों में भाई तुम कौन सा सरकार तुमको मदद कर सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग भी। जी जरूर। नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को इन मांगों के लेकर? अरे वो भी तो बहुत फिट आदमी है, लेकिन चूंकि वो भाजपा के साथ हो गया है ना जी, इसलिए वो कचर वचर करता है। अच्छा, नहीं तो वो देने और दिलाने में वो सबसे आगे है। जी जी, बगड़ा रहा उसको भाजपा, बगड़ा रहा। नीतीश कुमार जी सबसे आगे है देने और दिलाने में इससे। लेकिन लेकिन भाजपा लोग जो है ना, वित्त मंत्री वही लोग हो गया है, इसलिए वो थोड़ा इधर उधर। अभी फिलहाल निश्चितकालीन हड़ताल पर है, विद्यालय में ताला बंद है, बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है, तो ऐसे में सरकार को मान लेनी चाहिए ना? एकदम मान लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है और आगे आपकी सरकार बनती है तो क्या इन लोगों को मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, दुना कर देंगे हम लोग। आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ।